रिकॉर्ड 37 हफ्तों से मैं, मेरी मॉम और मेरे दोनों बच्चे वीकेंड्स का इंतजार करते हैं क्योंकि there was something on the tube that was genuinely amazing. पहले कुछ हफ्ते आइडल देखते देखते हमें पता ही नहीं चला कि कब हम इसका हिस्सा बन जाएंगे, कब हम इसके कंटेस्टेंट से इतना जुड़ जाएंगे और कब ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली बन जाएगी। मुझे सही में क्यूरियोसिटी हो गई कि आखिर किशोर जी फिरंगी महारानी को चुनेंगे या सुरेखा जी को। फिनाले से पहले पवनदीप के चेहरे पर एक्सप्रेशंस आएंगे कि नहीं, या फिर अरुणिता इतनी खूबसूरत है कि धर्मा की हेरोइन बन सकती है। क्या बात है। जजेस किसी के गाने पर मौसम नहीं बदलते, तो मेरी मॉम कहती है अगर ये इस परफॉर्मेंस में मौसम नहीं बदले तो इंडियन आइडल वालों ने जजेस बदल देना है। इन शॉर्ट हमें लगने लगा कि वी आर फैमिली, लेडीज एंड जेंटलमैन। और जब एहसास हुआ कि ये वीकेंड फिनाले से पहले का आखिरी वीकेंड है, 15 अगस्त के बाद इनकी आवाजें सुनाई नहीं देंगी, ये चेहरे दिखाई नहीं देंगे, ये मुस्कुराहटें, ये मोहब्बत, ये फीलिंग्स, ये रोमांस, ये लव और ये म्यूजिक सब खत्म हो जाएगा। मुझसे रहा नहीं गया, and that's the reason मैं यहाँ हूँ, and I करण जौहर very very proudly present the best of the best singing talent of आज का इंडिया, the best of the best singing talent of Indian Idol 12. Thank you sir, एक बार करण सर के लिए जोरदार तालियाँ। करण has come to our show. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर, कोरियोग्राफर, एंकर, जज करण जौहर का। ओह माय गॉड सर, थैंक यू सो मच इंडियन आइडल के सेमीफिनाले पे आने के लिए और इस पर 4 चांद लगाने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाय। इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया। कर ले प्यार, कर ले के इन्हें यही छोटी सी कोई देखे ना कहीं। कर ले प्यार, कर ले के इन्हें यही छोटी सी कोई देखे ना कहीं। अरे बात ले नजर मिला जहाँ मिले तुझे कोई हंसे। कर ले प्यार, कर ले के इन्हें यही छोटी सी आज तो हो ही जाए, गले मिलते हैं सर। करण सर कैसा लगा? सायली आपने कहा कि आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आशा जी है, वो इस मंच पे भी आ चुकी है एंड आई एम श्योर उन्होंने आपको बहुत अप्रिशिएट किया होगा। आज आई विश आशा जी यहाँ थी और उन्होंने सुना होगा कि इफ देयर इज समवन फ्रॉम द वंडरफुल लेजेंडरी स्कूल ऑफ आशा भोसले तो वाकई उनका नाम रोशन कर सकती हैं आगे जाके, वो आप हैं साई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाकई जिस तरह एक्सप्रेशंस के साथ आपने गाया है, क्योंकि इस गाने में एक सेंसुअलिटी है, एक फन एलिमेंट है और आपने भी खूबसूरती से सुर में उस सेंसुअलिटी को, उस फन को, उस एंटरटेनिंग क्वालिटी को आपने उस गाने में डाल के पेश किया है। वाकई ये बहुत मुश्किल बात होती है क्योंकि आपने गाना गाया नहीं, आपने गाना परफॉर्म किया है। Yes, sir. बहुत सारे ऐसे भारत की बेटियां हैं जो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और वो सपने बन के रह जाते हैं उनकी जिंदगी में, लेकिन आपने उन सारी बेटियों को इंस्पायर किया है कि अगर वो छोटे शहरों से हो या छोटे छोटे गाँव से हो, वो बड़े शहर में आके अपना नाम कमा सकती हैं, इज्जत कमा सकती हैं और सबका प्यार जीत सकती है। ये आपने प्रूव किया। आप वाकई कि सारे जहां से प्यारी है भारत की बेटी, है सारे जहां पर भारी भारत की बेटी। और गाने में भी है वो अल्फाज के जीती रहो जीतती रहो। आइए देखते हैं कि जो आम लड़की घर से निकली थी उसके स्टार बनने के बाद जब करण सर ने उनको घर भेजा, इनको क्या रिस्पांस मिला? ओह, लेट्स सी। मैं घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ जाके बहुत दिन के बाद मम्मी को मिलूँगी, मेरे भैया को मैं मिलने वाली हूँ। पता नहीं मैं क्या क्या करने वाली हूँ घर जाके। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जैसे कि आंटिया जो भी लोग हैं उनसे भी मैं मिलने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब मैं घर के करीब आई, पूरा रैली था रोड पे, तो सब इधर उधर घर में छत पे जितने भी लोग थे सब मुझे ऐसे हाई कर रहे हैं और मैं भी उन लोगों को हाई कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। इतना सारे लोग आए थे प्रोसेशन में कि उसको फोटो खींच रहे थे, उसको फूल डाल रहे थे, तो ये देख के मुझे पता लगा क्या वो बहुत ही उसको प्यार मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अरुणिता जीतेगी। मैं जब गाड़ी से उतरी तो जितने लोग थे उन्होंने बंगाली में उसको वरन बोलते हैं, वो डाली में लेके मुझे ऐसे वो लोग वरन कर रहे थे। मैंने मम्मी को बहुत दिन के बाद देखा तो उनको जो जो चीज़ पसंद है मैंने वो चीज़ करने की कोशिश की। तो मैंने उनका पैर दबाया और उनको तेल मालिश किया थोड़ा सा। मैंने दाल चावल और सब्ज़ी बनाया था तो मम्मी को वो पसंद आया होपफुली। बनगांव महिला मंडल से कुछ लेडीज़ आई हमारे घर, तो मेरे लिए उन लोगों ने एक ट्रॉफी लाया और मुझे एक साड़ी दिया और मेरे मम्मी पापा को भी शॉल से उन लोगों ने सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। मंजर नया सम्मान मिल रहा है, सब अरुणिता की वजह से मिला है। मैं तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया, सब इंडियन आइडल की वजह से मिला है। बहुत ही प्राउड फील करती हूँ। थैंक यू सो मच। के बाद हम सब लोगों ने मिलके किटी पार्टी की। अरुणिता इंडियन आइडल एंड कोलकाता की शेरनी है। अरुणिता तो बंगाल की नहीं है, पूरा इंडिया का शान है। पहले से पता है अरुणिता जीतेगा, वो मेरे लिए तो छोटी लता है। 100% पता है अरुणिता ही जीतेगी। अरुणिता तुम्हार वॉइस खूब भालो, ऑल द बेस्ट। मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ और जितना लोग प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगी। वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी। अरुणिता ऑडिशन से कहाँ आ गए यार हम लोग, सच में सर। ये अरुणिता आई, वो पहला एपिसोड मुझे याद हो रहा है जब वो सिलेक्ट हुई थी। जी सर। उसके बाद टोटल आंटी इन टीनेजर की खाल और फिर अरुणिता द एक्ट्रेस। Arunita, the great singer. Arunita जिसकी सुरों की श्रुति ऐसे लगती है, वो कणें जो लगती हैं, मैं वो 10 महीने की जर्नी को याद कर रहा हूँ और इतना गर्व महसूस करता हूँ कि उस ऑडिशन राउंड में अरुणिता को हमने यूँ सिलेक्ट किया था। एंड उस दिन से लेकर आज तक कभी भी अरुणिता ने हम लोगों को एक बार भी ऐसा लेट डाउन ही नहीं किया। We are really proud of you. God bless you. Superb यार। करण सर, thank you so much इनको घर पे भेजने के लिए। नहीं तो बनता था, इतने दिनों तक वो यहाँ मेहनत से, जोश और जुनून के साथ, यहाँ लगन से, और इतना मेरा दिल खुश हो गया देख के कि उनके नेबरहुड में उनको इतना प्यार मिला, घर में माँ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। How lovely अरुणिता, वो जो गर्व की फीलिंग होगी माँ के अंदर, आपकी फैमिली के साथ, it's a totally different feeling. I can totally relate to जिस तरह उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। आभा का किरण है। अरुणिता मैं क्या कहूँ, इस गाने की जो कॉम्पोजिशन है अजय अतुल की, धड़क फिल्म का गाना है ये, और ये अजय अतुल की खासियत है कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेलोडीज को इतनी खूबसूरती से पेश करते हैं। आप जान लो कि जिन्होंने भी गाया है उनके गाने, मेनी ऑफ देम हैव गॉन ऑन टू विन अवार्ड्स, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म बन जाता है खूबसूरत गाने का। एंड ये गाने में जो दर्द है, जो इंटेंसिटी है, वो आपने इतनी खूबसूरती से पेश किया है। यू ट्रूली आर वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड यंग आर्टिस्ट आई हैव सीन। आपको बहुत लगाव है आपके अपनी माँ से। जी सर। You really do love her, और हमेशा चिंता रहती है उनके हेल्थ को लेकर, और कहीं ना कहीं मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी हमेशा चिंता रहती है अपनी माँ की। वो मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि फिनाले का वक्त आ चुका है, बस सारा फोकस और ध्यान आप अपने फिनाले पे डालिएगा, और आपकी माँ की दुआएं आपके साथ हमेशा रहने वाली है। लोगों की भीड़ लगने लग गई कि पवनदीप से मिलते हैं, पवनदीप से मिलते हैं। काफी मैं फूला नहीं समा रहा था, इतना खुश हो रहा था। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। अरे मम्मी तो रोने लगी थी घर पहुंचते ही। मम्मी ने टीका वीका लगाया, थाली लाई थी पूजा की और आरती उतारी। मम्मी ने खाना बनाया हुआ था, तो मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी और दही बनाई थी, घर की दही थी। उसी को प्यार करती है, लड़का आ गया ना अपना। मुझे भी खाना है। ले, खा ले। जो पिछली बार लोगों ने लिखा था कि ओ पवनदीप वापस मत आना, इस बार मैंने अपने हाथों से लिखा है ओ पवनदीप जीत के आना। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पवनदीप मैं आपसे नाराज हूँ। एक तो आप उत्तराखंड जाके आए, ऊपर से आप चंपावत जाके आए जो आपका घर है। यार आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए। अरे भैया लाया हूँ मैं। अच्छा। मैं चाहता हूँ उसको मंगवाया जाए। अरे क्या बात है, आदि पूरा का पूरा बक्सा आ रहा है। क्या बात, ओह माय गॉड। सर ये गाँव वालों ने भेजा है, इसमें तो पवनदीप खुद फिट आ जाएगा। तो खोलिए फिर। अरे वाह, क्या है आदि? तो ये यहाँ पे सब लिखा भी है, आदरणीय करण जी सर आपके लिए भी आया है। ओह सर ये घी है गांव का। ओह अरे वाह, मेरे लिए क्या है? सोनिया बहू इस कद्दू के चिप्स बनाकर हमारे प्यारे हिमेश जी को खिलाइएगा। अच्छा अच्छा, पवनू तुम मेरे लिए कद्दू लाए? सर वो भेजा है वहाँ से मेरे को। I love कद्दूस। वाह क्या बात है। शहद सी मीठी आवाज वाली सोनू जी के लिए फ्रेश ऑर्गेनिक शहद। अरे वाह वाह। अन्नू जी के लिए अचार। सर इससे बेहतर कुछ होता नहीं, गांव का असली अचार होता है। थैंक यू पवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। और हम सब दोस्तों के लिए सर टोपियां। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, एक ऐसा ही लब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों से पुराने जख्मों पे मरहम लगा सा है, एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। पवन दीप, तुम क्या चीज हो, मैं क्या कहूं। जब तुमने गाया था अग्निपथ का गाना, कमाल के गाते हो तुम, तुम्हारी आवाज में दर्द है, दर्द है, दर्द है, मोहब्बत है, तुम वाकई बौन आशिक हो। मैं ये कह सकता हूं कि आपने इंडिविजुअली ये गाना गाया है। मुझे कहीं नहीं लगा कि मुझे कहीं सोनू का छाप नजर आया, मुझे लगा कि ये वाकई पवनदीप है और ये पवनदीप का छाप है और वही छाप आपको बहुत आगे ले जाएगा। क्या बात। और सुपर वुमन है जिनका मैसेज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सर, एक नजर डालते हैं। नमस्ते जजेस, नमस्ते टू द ऑडियंस। करण जब छोटा था तो बहुत ही एक शाय बच्चा था। ये कैसा लड़का है, तो मैंने सोचा इसको बोर्डिंग स्कूल भेजो, लेकिन उससे नहीं रहा गया और वो तीसरे दिन घर वापस आ गया। और फिर उसके बाद जब कॉलेज ज्वाइन किया तो ये जाके अपने को सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिट करके आ गया। मैंने बोला, सेंट जेवियर्स क्यों जा रहे हो, तुमको तो बीकॉम करना चाहिए, तुम्हारा बाप बिजनेस करता है तो तुमको भी बिजनेस में जाना चाहिए। और बहुत सक्सेसफुल तो मैंने कभी नहीं सोचा था उस वक्त, बट इसने अपने आप को बहुत कुछ सिखाया। एक दिन जब मेरे पास आया और कहा कि मम्मा, मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या करोगे फिल्म इंडस्ट्री में? कहता, नहीं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। मैं तो कुर्सी से गिरने वाली थी। मैंने कहा डायरेक्टर क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा बाप तो प्रोड्यूसर है। कहता नहीं, मुझे आदि चोपड़ा मिला था और उसने मुझे कहा कि तुम मुझे असिस्ट करो। ये तो आप सबको पता है कि कैसे उसने आगे ले गया है धर्मा प्रोडक्शंस को, कि आज वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और इतने डायरेक्टर्स को क्रिएट किया है। जब भी मेरी माँ बात करती है मेरे बारे में तो आई डोंट नो, अंदर के सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं। एंड मैंने आज यही कहा था अनुजी से कि व्हेन यू लूज अ पेरेंट यू गेन अ गॉड। तो मेरी यही प्रार्थना है पापा से हमेशा कि हमें बस वो पीस ऑफ माइंड देते रहिए आप। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड दैट आई हैव पेरेंट्स लाइक दिस। एंड मैं ये आपको कह नहीं सकता कि मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल वो था जब मेरे दो बच्चे पैदा हुए थे, यश और रूही। उनमें मैंने अपने अपने माँ बाप को ही पाया है, इसलिए नाम मैंने ऐसे रखे। रूही मेरी माँ हीरू का नाम का एक डेरिवेटिव है, यश मेरे पापा का नाम था। डीएम साहिबा के यहाँ से हमारी जो है वो रैली निकली। मुझे सम्मानित भी किया, 51,000 का चेक मुझे दिया। लोग जगह जगह फूल डाल रहे थे, ढोल पे नाच रहे थे लोग, एंड मुझे कंधे पे उठा लिया सबने। ढोल को खड़का मस्त मगन हो, रास्ते की धूल उड़ाला। मैं भी ये देख देख कर अपनी जिंदगी जी रही थी कि मैं ये देखना चाहती थी दानिश को, और ये मेरी मुराद मेरे अल्लाह ने और मेरे मौला ने पूरी की है। ये हमारा बच्चा के लिए आशीर्वाद है और कदम बढ़ते चले जाएंगे, हटेंगे नहीं। दानिश भाई हीरो है, इंडिया का हीरो है, पूरी दुनिया में नाम करेगा। मस्तानों की टोली आई, सर पे साफा बांधे, अरे कमर को कस लो, हाथ कलश लो, राज तिलक है माथे। बहुत ज्यादा खुश हूँ आज, मेरा सीना गदगद है। जब भी दानिश का शूट होता है तो मैं यहाँ हर हफ्ते आती हूँ और यहाँ सर दुआएं रो रो कर और मांग कर जाती हूँ अपने दानिश के लिए कि मेरे दानिश कामयाब हो जाए। मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को बहुत ही मिस कर रहा था। हम लोग हमेशा ऐसे बैठते थे, सब लोग साथ खाना खाते थे जब भी कोई खुशी का मंजर होता था। दानिश नहीं था तो हमारी ईद भी फीकी पड़ी हुई थी, और आज हमारी खुशी इतनी है कि आज हमें ईद आज लग रही है दानिश के आने से। इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि मैं क्या बयान करूं, कोई लफ्ज़ नहीं है। ये खुशी ऐसी होती है कि ये एक माँ अपने ये दिन हर एक माँ की जिंदगी में आए, जो आज ये दिन मेरे दानिश की वजह से है। अरे जय जयकारा है ललकारा, अब तो हम कर दे। मेरे शरीर की लंबाई जो है वो 5 फुट 2 इंच है, लेकिन मेरे बेटे ने मेरा कद इतना ऊंचा कर दिया कि मैं उसको फुटों में, मीटर में, किसी चीज में नाप ही नहीं सकता। इस शहर के अंदर मैं जवान हुआ, उस शहर के अंदर मैं पला बड़ा हूँ, लेकिन पहचान मुझे आज मिली है। वाह 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 करण सर, रोज घर की दाल चावल खाने के बाद हफ्ते में एक दिन रेस्टोरेंट में खाना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो अलग होता है। इसी तरह नॉर्मल गाने वालों की भीड़ में इस सीजन की एक कलाकारा यहाँ तक क्यों पहुंची है? क्योंकि वो अलग है। और तभी संगीत खुद जिन्हें कहता है शुक्रिया। शनमुखा प्रिया। एक साधारण सी स्कूल गर्ल जब एक असाधारण सी रॉक स्टार बन के घर गई तो क्या हंगामा हुआ, देखिए। मैं आई हूँ अपने होम टाउन विशाखापट्टनम में। बहुत महीनों के बाद मैं वापस वाइजाग में आई हूँ। रोड्स में मेरे पूरे बैनर्स और कोर्सेज लगे हुए हैं। जैसे मैं घर के पास पहुंची, मुझे एक ग्रैंड वेलकम मिला। मुझे नादस्वरम के साथ वेलकम किया। मुझे गार्लैंड्स पहना रहे थे। सेल्फीज खींच रहे थे और शेक हैंड्स दे रहे थे। और जैसे मैं जा रही थी घर के बाहर बालकनी से, मुझे वेव कर रहे थे, फ्लाइंग किसेस दे रहे थे। नाउ कम्स द सरप्राइज एलिमेंट। वो ये है कि मेरे 15 फीट कटआउट मेरे घर के सामने लगाए हैं। एकदम शॉक हो गया। आई वाज लाइक कि ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ये सब बड़े बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है और अभी वो मेरे साथ हो रही है और ये मैंने कभी एक्सपेक्ट भी किया नहीं। और वो देख के तो आई वाज स्पीचलेस। मुझे बहुत खुशी फील हो रहा है कि शनमुखा को इतना प्यार मिल रहा है पब्लिक से, इतना दुआ दे रहे हैं शनमुखा को और शनमुखा के सिंगिंग का तारीफ कर रहे हैं सब लोग। वो सब कुछ देखने तो हाँ बहुत ही इमोशनल फील हो रहा है हमको। शनमुखा के पेरेंट्स हैं हम, ऐसा प्राउड फील हो रहा है हमको। हम चाहते हैं कि शनमुखा प्रिया इंडियन आइडल की विनर बने और हमारी दुआएं शनमुखा के साथ हमेशा ही रहेगा। जो भी प्यार और सपोर्ट मुझे मेरे फैंस और लोगों से मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन आइडल की वजह से ही है। So thank you so much Indian Idol for giving this opportunity and I'm forever grateful and thankful to you. Wow! क्या बात है! जाता कहाँ है दुआनी, सब कुछ यहाँ है सनम। के सारे बसाने झूठे हैं तेरी कसम। पिपी कुछ तेरे दिल में, पिपी कुछ मेरे दिल में, पिपी जमाना है बुरा। कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे बसारे झूठे हैं तेरी कसम। पिपी कुछ तेरे दिल में, पिपी कुछ मेरे दिल में, पिपी जमाना है बुरा। Thank you so much. वाह, 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 वाह! क्या बात है शनमुखा प्रिया। करण सर, कैसा लगा? वाव, वाव! ये जो गाना है बॉम्बे वेलवेट का, जाता कहाँ है दीवाने, वाह! I mean, वो ईरा याद आ गई मुझे. जाता कहाँ? वाकई, you are such an अलग singer. सब कुछ यहाँ है सनम. ये जो अलग का खिताब आपको दिया गया है, ये सही बैठता है आप पे, क्योंकि जो गाने आप गा सकती हैं ना, वो कोई नहीं गा सकता. वो कोई नहीं गा सकता. जिस expression और जिस मजे के साथ आप गाती हैं, you truly are an artist. बहुत खूब, बहुत खूब. Thank you so much, sir. इस तरफ होगा. अरे देखो देखो मेरा फोटो है वहाँ पे. ये टॉप 10 का है. यहाँ के लोगों को देखने के बाद मुझे वो रियलाइज हुआ कि मैं ये लोकेशन और मेरा टाउन कितना मिस कर रहा था. और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत ही अच्छा वेलकम मिला. मेरे मॉम डैड, मेरे ग्रैनी, मेरा भाई, इनको देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई. और मेरे चर्च से भी लोग आए थे, मेरे दोस्त आए थे, और इन सबको देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई. आज निहाल तावरो इंडियन आइडल में बहुत उसने अचीव किया है. आज इंडिया में वो शाइन हो रहा है. लोगों को बहुत खुशी है कि हमारा जो लोकल सितारा है आज इंटरनेशनल लेवल पर संगीत की दुनिया में चमक रहा है. Blow your trumpet, baby. He has made us, the parishioners of Holy Rosary Church, Avangar, very, very proud. We pray so that Nihal Tauro may win Indian Idol trophy. Wow, wow. Awesome. आ रहे थे स्कूल से, रास्ते में हमने देखा एक खेत सस्ते में. क्या बेटा क्या? चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए. चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए. अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह. चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए. अरे वाह वाह वाह. करते आए 3.5 जरा नाक जरा तोड़, इसे लूट उसे छीन. अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह. चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, चुप चुप कौआ भी ढोलक Wow! क्या बात है! निहाल, आपने बहुत fun के साथ, बहुत मजे लेके ये गाने गाए हैं. You were having fun, and I think जब कोई performer वाकई दिल से enjoy करता है ना, वो हमारे दिल को छू जाती है वो performance. You really, really are going to go a very long way in the movie industry. निहाल, जिस तरह आप गा रहे थे और मजा कर रहे थे, वो सुनाई भी दे रहा था, दिखाई दे रहा था. We were thoroughly enjoying. और जो हमारी लड़कियों ने कोरस किया है, वाह वाह वाह, आवाज को चेंज करके. हाँ, वो पता कुछ ऐसे कर, अरे वाह वाह वाह. एक बार बताओ माइक लोग कैसे कर रहे थे? चिल चिल चिल्ला के कजरी सुनाए, चूम चूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह. Oh my God. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.